नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडियन प्राइम न्यूज और मैं आपके साथ विजय यादव। तो चलते इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। मामला कानपुर देहात के पोखराया कस्बे का है। सपा राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के आह्वान पर जनेश्वर मिश्रा की जयंती पर साइकिल रैली का आयोजन किया गया, तो पोखराया कस्बे में सपा कार्यकर्ताओं ने साइकिल रैली निकाली। साइकिल रैली हरदुआ बाईपास से होते हुए पटेल चौक बलाई बाजार तहसील कीट से होते हुए अमरौधा मुख्य बाजार पहुंची। सपा पूर्व जिला अध्यक्ष वीर सेन यादव ने भाजपा पर तंज कसते हुए कहा कि यह पहली सरकार और यह पहला प्रधानमंत्री है जो किसानों के प्रति बिल्कुल भी सजग नहीं। कई किसान धरने पर बैठे रहे और अपनी मांगे रखते रहे, लेकिन सरकार का दिल नहीं पसीजा और कोई भी मांगे पूरी नहीं की गई। वहीं पर उन्होंने कहा कि चाहे युवा हो या बेरोजगार, सरकार किसी के हित में कार्य नहीं कर रही, अखिलेश सरकार में नियोजित कार्यों को ही पूरा कर रही है। इस दौरान सपा के पूर्व में जिला अध्यक्ष वीर सेन यादव, कासिफ खान अमरौधा सहित सैकड़ों की तादाद में सपा कार्यकर्ता मौजूद रहे। मैं वीर सेन यादव समाजवादी पार्टी का पूर्व अध्यक्ष रहा हूँ और आज साइकिल यात्रा का मकसद है उत्तर प्रदेश की जालिम हुकूमत है, जिस हुकूमत के रहते समाज का कोई भी तबका हो, चाहे किसान हो, मजदूर हो, नौजवान हो, अकड़ा हो, पिछड़ा हो, सबके साथ धोखा बेईमानी और चीज़ हो रही है। बेरोजगारी बेतहाशा बढ़ रही है, मूल्य वृद्धि बेतहाशा बढ़ रही है, डीजल पेट्रोल आए दिन बढ़ता रहता है और खासकर किसानों के मुद्दे पर यह सरकार बिल्कुल संवेदनहीन है। लगातार 8 महीने से हिंदुस्तान की सरजमी में दिल्ली की हुकूमत के बगल में हजारों किसान बैठा है और उनकी जो मांगे हैं उन मांगों को आज भी भारत सरकार नहीं मान रही है। हिंदुस्तान का पहला प्रधानमंत्री है जो किसानों के मुद्दे पर भी संवेदनशील नहीं है। आज स्वर्गीय जनेश्वर मिश्रा जी जो समाजवादी के पुरोधा हैं, जो डॉक्टर राम मनोहर लोहिया के हमेशा नज़दीक रहे और जिन्हें पूरा हिंदुस्तान छोटे लोहिया के रूप में जानता है, आज उनके जन्मदिवस के अवसर पर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव के आह्वान पर, जो हिंदुस्तान के करोड़ों किसानों नौजवानों का नेतृत्व करते हैं, उनके निर्देशन पर आज समाजवादी पार्टी तहसील मुख्यालयों से लेकर के आसपास गांव में पूरे प्रदेश में साइकिल यात्रा का कार्यक्रम किया है। मैंने भी लगातार अपने पोखराया कार्यालय से लेकर के पोखराया मीरपुर होते हुए अमरौधा तक हमारे सैकड़ों सब साथियों ने जो साइकिल चला करके जनता में संदेश देने का काम किया है, मैं उन सभी साथियों को बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहता हूँ और इस जालिम हुकूमत को उखाड़ने के लिए, इस जालिम हुकूमत को नष्टनाबूद करने के लिए आदरणीय अखिलेश यादव ने संकल्प ले लिया है। 2022 में समाजवादी पार्टी की हुकूमत बनेगी, दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक पाएगी, क्योंकि गरीब और मजलूमों का उन्हें आशीर्वाद प्राप्त है, किसानों, नौजवानों, विद्यार्थियों का उन्हें सहयोग प्राप्त है, इसलिए आने वाली हुकूमत समाजवादी पार्टी की होगी। पुनः किसानों के जो चेहरे मुरझा गए हैं उनमें मुस्कान आएगी, ऐसा मेरा संकल्प और विश्वास है।